धनबाद के सरकारी अस्पताल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। 15 दिनों के अंदर महिलाओं के साथ दूसरी बार बलात्कार करने की कोशिश की गई। धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH में बुधवार की देर रात एक महिला अटेंडेंट के साथ रेप की कोशिश हुई और महिला की शिकायत पर अस्पताल प्रबंधन ने CCTV फुटेज की जांच कर मामले की पुष्टि की है। इससे पहले भी अस्पताल में एक महिला के साथ रेप की घटना हो चुकी है, जिसका आरोपी एम्बुलेंस चालक को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। दूसरी घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन पर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन बचाव की मुद्रा में है और सारा ठीकरा स्थानीय प्रशासन पर फोड़ रहा है। SNMCH में आबरू के लुटेरे, SNMCH में महिला सुरक्षा किसके भरोसे, 10 दिन में दूसरी शर्मनाक घटना। पहले हुआ था महिला से दुष्कर्म, अब लड़की से हुई छेड़छाड़, CCTV में कैद हुआ आरोपी। ये है धनबाद के SNMCH का CCTV फुटेज। ये जो अकड़ता सा शख्स इस फुटेज में आप देख रहे हैं, असल में ये असमत का लुटेरा है। इसे गलत फहमी है कि ये मर्द है। आप इस फुटेज में इसे साफ साफ एक लड़की को परेशान करते देख सकते हैं। पर वाह रे झारखंड की बेटी, ऐसे राक्षस के सामने घुटने टेकने की जगह भिड़ गई उससे। ये झारखंड की माटी की बच्ची है। आगे आगे वो भागता रहा, पीछे पीछे ये बेटी उंगली उठाए उसका पीछा करती रही। अब समझते हैं यहाँ के प्रिंसिपल और HOD से ही कि आखिर क्यों ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। है बहुत निंदा की, इससे हमारे अस्पताल की छवि खराब होती है। दूसरी चीज की मरीजों के बाहर निकलने और आने में, डॉक्टरों के बाहर निकलने आने में प्रतिबंध होना चाहिए। रात्रि का एक समय फिक्स होना चाहिए, एक गेट होना चाहिए जिस पर दरबान हो, जो आने जाने वाले के दस्तखत ले कि कौन अंदर जा रहे हैं कौन बाहर आ रहे हैं, और अगर आवश्यकता पड़े तो उनसे उनका पहचान पत्र भी मांगे। मरीज संबंधी जो लोग हों बिना अस्पताल के ऑथराइज्ड पेपर, जैसे रात में वार्ड में पेशेंट शिफ्ट होते हैं, पेशेंट में सीरियस होने से वहाँ से कैजुअल्टी शिफ्ट होते हैं, इस तरह का मरीज जब अस्पताल का कागज लेकर जाएंगे तो उनका कागज देकर उन्हें बाहर या अंदर जाने की सुविधा। हमारे जो सुरक्षा बलों की जो संख्या है, हमारे यहाँ 20 है, अस्पताल में 30 है, जो बहुत कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए हमने डिमांड किया है कि इस संख्या को बढ़ाई जाए, और न केवल बढ़ाई जाए, उनके हाथ में कुछ अस्त्र जरूर होना चाहिए, कुछ लाठी जरूर होना चाहिए। लोग खाली हाथ रहते हैं तो कोई अवांछित घटना घटने पर वे भी बेबस नजर आते हैं, तो उनकी संख्या भी ज्यादा रहे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या जगहों पर उनको तैनात कर सकें, ताकि कुछ कोई ऐसी जगह सेंसिटिव छूट पर जाए जहाँ कुछ अप्रत्याशित घट जाए। जैसे उस दिन जो घटना घटी, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड पोस्टेड नहीं था तो घटना घट गई। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे सिक्योरिटी बल की संख्या पर्याप्त हो, उनके हाथ में तो हम लाठी जरूर। तो क्या यहाँ महिलाओं की सुरक्षा भगवान भरोसे है? मजबूरियाँ और लाचारी तो हर जगह है, पर सवाल यह है कि क्या ऐसे मनचलों के सामने प्रशासन बेबस है? धनबाद से न्यूज 11 भारत के लिए कुंदन सिंह की रिपोर्ट। और सीधा रुख धनबाद का करेंगे, सहयोगी कुंदन हमारे साथ मौजूद है। कुंदन, ये कोई पहली घटना नहीं है SNMMCH की, यहाँ पर ये दूसरी बार ऐसी घटना की कोशिश की गई है, एक महिला के साथ रेप की कोशिश की गई है। जाहिर तौर पर सवाल उठ रहा है कि सुरक्षा नहीं है वहां पर, सुरक्षा की चूक है जिसका नतीजा है लोग फायदा उठाते हैं। जी राजदा, मैं आपको बता दूं कि कोई पहली घटना नहीं है। 15 दिन पहले भी इससे पहले एक विक्षिप्त महिला के साथ इसी तरह का जो है घटना को अंजाम दिया गया है, और उसमें एक एम्बुलेंस ड्राइवर और उसके एक सहयोगी उसमें संलिप्त थे, जिसमें जो है आनन फानन में एक टीम गठित की गई और उसके बाद जो है एम्बुलेंस ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई। और ठीक 15 दिन के बाद कल परसों बुधवार की रात में यह घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें महिला ने आरोप लगाया कि एक युवक जो है वार्ड में घुसकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया। उसके बाद जो है CCTV कैमरा चेक की गई, जिसमें जो है मामला सच पाया गया। अब पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन जो है वो जिला प्रशासन
पुलिस प्रशासन पे ठेकरा फोड़ रही है कि गलती कहीं ना कहीं जो है स्थानीय प्रशासन का है, पुलिस प्रशासन का है, क्योंकि सुरक्षा यहाँ पे है नहीं और जो सुरक्षा गार्ड यहाँ पे है वो सारे डंडे धारी है, जिससे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन अंदर चला जा रहा है कौन बाहर ही रह रहा है, क्योंकि 20 सुरक्षा गार्ड के बदौलत पूरे अस्पताल और कॉलेज है। तो कहीं ना कहीं इसमें चूक अस्पताल प्रबंधन का है, और पिछले दिनों एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के साथ बैठक भी हुई थी सारे डॉक्टर्स के, और उसमें ये आवाज भी उठाया गया था, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने कहा था कि अगर कहीं पे भी चूक होती है तो इसके जिम्मेवार आप है, क्योंकि अगर सुरक्षा गार्ड की कमी है तो इसकी भी शिकायत की जाए। उस समय अस्पताल प्रबंधन ने कुछ नहीं कहा कि हमारे पास सुरक्षा की कमी नहीं है, लेकिन फिर से ये घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन पे एक सवालिया निशान खड़ा होता है। जी राजदा जी, तो कुंदन, जाहिर तौर पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने का ही नतीजा है कि इस तरह की तस्वीरें बार बार SNMMCH में सामने आ रही है। अब चूंकि ये हादसा लगातार एक के बाद एक 15 दिनों के अंदर हुआ है, प्रबंधन ने क्या कुछ तैयारी की है और सुरक्षा कैसे वहां पर जो अटेंडेंट होते हैं, जो वहां पर मरीज है, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? मैं आपको बता दूं कि जब हम लोगों ने SNMMCH के प्रिंसिपल से बात की तो प्रिंसिपल ने कहा है, साफ तौर पे कहा है, क्योंकि अस्पताल जो है वो सुपरिटेंडेंट के अंदर में, और सुपरिटेंडेंट जो है इस सवाल से भाग रहे हैं कि उनको उनके पास जवाब नहीं है, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये पूरे मामले जो है जिला प्रशासन के ऊपर है, पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पे केयर नहीं करती है, पुलिस प्रशासन पेट्रोलिंग नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे जो है अस्पताल प्रबंधन जो सुपरिटेंडेंट जो है वो पूरे जो है घटना को ये पूरे घटना में अपने आप को बचाव कर रहे हैं, और पूरा जो है वो पुलिस प्रशासन पे थोप रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी चूक है। कुंदन, पुलिस प्रशासन हॉस्पिटल के अंदर इस तरह की चेकिंग के लिए तो पहुंचते नहीं है, किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ही पहुंचती है, तो साफ तौर पर जो अस्पताल प्रबंधन है उन्हें ध्यान देना जरूरी है कि जो महिलाएं यहां पर रहती हैं उन्हें वो सुरक्षा मुहैया कराए, लेकिन ये अपना ठीक रहा तो पुलिस प्रशासन पर फोड़ रहे हैं। ऑफकोर्स राजदा, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं आप पहले भी हमने कहा है कि ये पूरा जो मामला जो है इसमें कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन जो है उनसे चूक हो रही है, क्योंकि 20 सुरक्षा गार्ड जो है पूरे अस्पताल को, 275 कमरे हैं वहाँ पे और 11 गेट हैं वहाँ पे जिससे अंदर बाहर आदमी जा सकता है, और 20 सुरक्षा गार्ड है, तो आप ही सोच सकते हैं कि 20 सुरक्षा गार्ड से ये अस्पताल कैसे चलेगा। तो ये बहुत बड़े सवाल है, और जब जब जिला प्रशासन ने अस्पताल प्रबंधन से पूछा है कि सुरक्षा कैसे यहाँ पे दुरुस्त हो, तब तब जो है ये सवाल उठा है, और उसके बाद ये घटना दो दो लगातार 15 दिन में दो बड़ी घटना घट जा रही है। तो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन की ये बहुत बड़ी चूक है, और अस्पताल प्रबंधन जो है अपने आप को बचाव कर रहा है। पहले वाले जो आरोपी थी उसकी गिरफ्तारी तो हो गई है, ये दूसरा आरोपी गिरफ्त में आया या नहीं? नहीं राजदा, मैं आपको बता दूं कि सीसीटीवी कैमरे में वो जरूर नजर आ रहा है, लेकिन चूंकि ये बुधवार का मामला है और इस पे जो है पूरी जांच चल रही है, एक टीम गठित कर दी गई है जिसमें 60 डॉक्टर्स हैं, और कि वो आखिर है कौन और कैसे प्रवेश किया, तो सुरक्षा गार्ड से भी पूछी जा रही है, सुरक्षा गार्ड के जो सुपरिटेंडेंट है उनसे ये बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर आप लोग कहाँ थे जिस समय ये जो युवक प्रवेश कर रहा है मेन गेट से और फिर ये घटना को अंजाम देकर फिर पीछे हट जा रहा है, चला जा रहा है, कैसे ये गया। तो ये जांच जो है ये टीम गठित की गई है, और इसकी जांच जो है बोला गया कि 3 दिन के अंदर जो है सुपरिटेंडेंट इस जांच कमेटी को गठित करके ये जांच करके देंगे कि आखिर कैसे ये कहां चूक हुई है ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुंदन तमाम जानकारियों के लिए। तो SNMMCH में लगातार 15 दिनों के अंदर ये शर्मनाक घटना जहां महिला के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, लेकिन जो अस्पताल प्रबंधन है वो अपना पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है।